हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया हुआ है, एज पार्ट ऑफ अर्थ डे सेलिब्रेशन एन इंटर क्लास पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन वॉज अरेंज्ड बिटवीन 9 सेक्शंस ऑफ क्लास 8th। देखो क्या है, अर्थ डे की सेलिब्रेशन है, उस पर क्या किया गया कि 8th क्लास के जो 9 सेक्शंस हैं उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन करवाया गया। और वो कॉम्पिटिशन क्या है, इंटर क्लास पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, पोस्टर बनाना है। ईच सेक्शन वॉज प्रोवाइडेड अ शीट मेजरिंग 75 cm x 40 cm। ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन को एक शीट दी गई जिसकी मेजरमेंट कितनी है, 75 cm x 40 cm फॉर मेकिंग द पोस्टर। चलो ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शीट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द एरिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि एरिया बताना है, टोटल एरिया ऑफ द शीट। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ वन शीट, एरिया ऑफ वन शीट। एक क्लास को जो शीट मिली है उसका एरिया कितना है, 75 cm x 40 cm। ठीक है, ये तो एक शीट का हो गया, मैं यहां पर लिख दूंगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो ये हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा। अब टोटल कितने, 9 सेक्शन है, देयरफॉर टोटल एरिया, टोटल एरिया। अब टोटल एरिया क्या है, ये तो एक शीट का है। अब जब 9 सेक्शंस हैं तो 9 सेक्शन को क्या होगा, इस 9 शीट्स हैं तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 75 × 40। तो अभी आप यहां से देखो, आप ये जो भी नंबर है आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब अगर आप 75 के करना चाहोगे तो क्या बनेंगे, 5 × 5 = 25 होता है, 25 × 3 = 75, मतलब 3 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75। चाहो तो मैं देखो 9 किया 3 × 3 और 75 किया 5 × 5 = 75, 5 × 25 = 25, 25 × 3 = 75। इसी तरीके से अगर आप 40 के बनाओगे देखो, 2 से डिवाइड करोगे 20 रह जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10 रह जाएगा और 10 के होते हैं 2 × 5। मैं ओरली कर रही हूँ, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 रह जाएगा, ठीक है, मतलब 2 उसका फैक्टर है। फिर से 2 से डिवाइड करो, ओरली कर रही हूँ, आप ओरली चाहो तो ओरली कर लोगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2, या फिर ऐसे कर लो। 40 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 × 5 = 40 होते हैं, 5 ऐसे लिखा और 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2। अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप ओरली कर सकते हो तो। तो अभी आप यहां से देखो, मैं इनको ऐसे ऑर्डर में लिखूंगी, पहले सारे 2 लिख देती हूँ, 2 × 2 × 2, उसके बाद मैं लिखती हूँ 3 × 3 × 3, उसके बाद मैं लिखती हूँ 5 × 5 × 5। तो अब आप यहाँ से देखो, हम इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 3 times आया तो 2 raised to power 3, 3 यहाँ से 3 भी 3 times आया तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 raised to power 3, 5 भी 3 times आया तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 raised to power 3। तो अब आप यहाँ से देखो, सभी की पावर 3 है तो हम ऐसा करते हैं, ओवरऑल सबको ब्रैकेट में लिख के बाहर पावर 3 कर देंगे, तो बेस में क्या आएगा, 2 × 3 × 5। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब सबकी पावर सेम हो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 और 3, तो सबको इकट्ठा लिख के पावर 3 कर दिया। बेस में जो थे मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे 2, 3 और 5 की मल्टीप्लीकेशन, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, तो ये आ जाएगा 30 raised to power 3 स्क्वेयर सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर रेस्ट टू पावर 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ से तो ये आपका इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बी पार्ट में, राइट एनी 2 ways बाई विच यू कैन सेव अर्थ। अब आपको बताना है 2 ऐसे ways बताने जिसमें आप अर्थ को सेव कर सकते हो, तो आपको 2 ways बताने, तो आप अर्थ को कैसे सेव कर सकते हो, एक तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट कर दो, प्लांटिंग मोर ट्रीज, या फिर हम एनवायरमेंट को क्लीन अगर रखेंगे तो अपने आप अर्थ सेव हो जाएगी, कीपिंग एनवायरमेंट क्लीन। तो ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।